जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम लेकर आए हैं मिथुन राशि नवंबर माह का राशिफल। नवंबर माह में मिथुन राशि वालों के लिए क्या विशेष परिवर्तन हो रहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 2 तारीख को धनतेरस है, धन्वंतरी की पूजा करें और धन्वंतरी की पूजा करने से कभी भी हमारे घर में धन की कमी नहीं होती है। इस दिन बर्तन खरीदना होता है, धातु के बर्तन खरीदें, अपने घर में पूजा करें और घर में लाएँ। सबसे पहले 2 तारीख को धनतेरस की पूजा करें और 4 तारीख को शुभ दीपावली है। इस दिन जो है पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और आगे आपके व्यापार में सफलता मिलती है। आज जानते हैं इसके लिए विशेष उपाय है, मैं आगे बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं आगे इसके लिए विशेष क्या परिवर्तन है। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, बुध कला कौशल का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही हट्टी और बहुत ही जल्दीबाजी में अपना निर्णय लेते हैं, वो काम खराब हो जाते हैं। हेल्थ की बात करते हैं तो इस माह इनका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है। हेल्थ में यदि आपको कोई स्किन की दिक्कत थी या सांस लेने में दिक्कत थी या कहीं ना कहीं गले में दिक्कत थी या आपको थायराइड था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि नवंबर माह में मिथुन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। धन की बात करता हूँ, इस माह धन में आपको क्या परिवर्तन होने वाला है, कितना धन आने वाला है। धन आपका जो फंसा हुआ था वो धन आने के संकेत मिल रहे हैं, आपको वापस मिलेगा। पराक्रम में आप बहुत ताकत लगाएंगे, सारा 100% काम करने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट थोड़ा सा कम आने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर निर्भरता के साथ विश्वास रख के काम करना है, सफलता आपको ही चूमेगी और आपको सफलता मिलेगी। और विद्यार्थी हैं जो लॉटरी खेलते हैं, सट्टा वगैरह खेलते हैं शेयर बाज़ार में जो भी है, उसके हिसाब से मैं बताना चाहता हूं कि मंगल बुध जो है सूर्य पंचम विराजमान है, तो इसमें जो सट्टा व्यापारी हैं या जो इस तरह की चीज़ें खेलते हैं कंपटीशन में जो भाग लेते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा सावधानी रहने की आवश्यकता है। वैसे काम तो सारे होंगे लेकिन लास्ट मोमेंट तक कोई ना कोई जो है आपको काम फंस जाएगा। यदि पहले जीत जाए तो आगे फिर ना खेलें, बेटर रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए पूरा हौसला लेकर चलना है, तब आप कंपटीशन में पार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी को विश्वास ना करें, विश्वास करने से आपको घात होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक में केतु विराजमान रहेंगे षष्ठ भाव में, तो संकेत देंगे आपको, इसमें आपको धोखा मिलने का भी थोड़ा चांस बनेंगे। लव लाइफ की बात करते हैं, सप्तम हाउस की पोजिशन क्या है, शुक्र धनु में विराजमान है। यदि किसी को आप चाह रहे थे, प्यार कर रहे थे, उसका आपका आगमन नहीं हो पा रहा था, बात बंद हो गई थी बीच में, तो नवंबर माह में आपकी बात चालू हो जाएगी, ये क्लियर है। यदि आप व्यापारी हैं, साझेदारी करना चाहते हैं दूसरे से, तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन थी वो अब निकल कर सामने आ जाएगी। आपका जो शक था वो ख़त्म हो जाएगा और दोबारा आप व्यापार के लिए जुड़ जाएंगे और जुड़ने के साथ आप आगे मंजिल आपको मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, शनि गुरु आपके कुंभ में रहेंगे और शनि देव आपके अष्टम में है, तो ऐसे में किसी बुजुर्ग आदमी के माध्यम से कोई विदेश से आपका फंड या कोई लाभ हो सकता है। हो सकता है आप विदेश की भी यात्रा की रणनीति बना सकते हैं। जो भी आपको धन की प्राप्ति होगी किसी स्त्री के माध्यम से, किसी बुजुर्ग आदमी के माध्यम, धन की आपको संकेत दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, आपका राहु बारमा है, ऐसे में आपको क्या है कि जो यात्राएं आपको करने पड़ेंगी, अचानक करने पड़ेंगी, उसमें आपको लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं किसी स्त्री के माध्यम से जो यात्रा करेंगे वो सफल रहेगी। ध्यान देना, वो यात्रा आपको सफल रहेगी। दूसरा, आपके लिए लक्ष्मी के लिए बताना चाहता हूँ, दीपावली का दिन रहेगा 4 तारीख को, 4 नवंबर को, वो आपके लिए वरदान साबित होगा, इसमें आपको चूकना नहीं है। सबसे पहले एक पीला कपड़ा लें, उसमें 8 कमलगट्टे क्वांटिटी के 8 कमलगट्टे और 8 कौड़ी जो सफ़ेद कौड़ी होता है उसको लेना है और 1 हल्दी की गांठ और भोजपत्र में लाल कलम से अपना नाम लिखना है। इन तीनों चीज़ों को बांधना है पीले कपड़े में और अपने गुल्लक में खजाने में लक्ष्मी की पूजा करके रख देना है। मंत्र भी पढ़ना है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदा श्रीम ह्रीम सुमहालक्ष्मी नमः, इसके करने से आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और सफल व्यापारी कहलाएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी जो खराब थी वो ठीक है, ठीक हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, आपके लिए क्या उपाय करना है, आप यदि व्यापार में या हेल्थ में कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते, हेल्थ में आप दिक्कत रहती है, व्यापार आपका डाउन हो जाता है, इसके लिए आपका एक पन्ना रत्न होता है एमराल्ड, उसको धारण करना है। उसके धारण करने से आपके लिए सारी जो समस्या हेल्थ की ख़त्म हो जाएगी और आप एक्टिव रहेंगे, जवान युवराज की तरह रहेंगे, क्योंकि बुध आपके कला कौशल के कारक होते हैं, स्वामी होते हैं राशि के, तो पूजा प्रतिष्ठा जिम्मेदारी के साथ पहले रत्न को धारण करने से आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कहीं भी जी रत्न लेकर आप पहन सकते हैं, ऐसा नहीं, आपको जागृत अवस्था करा के आपको धारण करना, आपको सफलता मिलेगी। आपको गणेश जी की पूजा करनी है
और गणेश जी के लिए आपको दुर्वा चढ़ाना है और बुधवार को उससे आपका भाग का सपोर्ट मिलेगा। कोई भी आपके क्वेश्चन हैं, हमारे प्रति प्रश्न है संस्थान के द्वारा, आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। क्योंकि समय का अभाव होता है, अपना ध्यान रखना है। आप शादी करते हैं, मैरिज करते हैं या कहीं ना कहीं कोई व्यापार करते हैं तो बिना कुंडली के विश्लेषण के पहले मत करें, नहीं तो आपको हानि होगी, बाद में पछताएंगे। इसीलिए अपना ध्यान रखें। जय माता दी। भूमि भवन वाहन धन संपत्ति शादी व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद राम अवतार मिश्रा जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 9650925716 0120410877। ईमेल आईडी है वैदिक ज्योतिष परामर्श 2004@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।